ये है दिल्ली दर्पण। तो हर जगह जहां जाओ नशा खुले में बिक रहा है। अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होती, किसी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली के अंदर नशा बेचते। पब्लिक को, जनता को विकास चाहिए, पब्लिक को जुमलेबाजी नहीं चाहिए, पब्लिक को आश्वासन नहीं चाहिए। माहौल सीधा सीधा हमारे पक्ष में है जी, कोई क्योंकि सब पार्टियों को आज मां के देख चुकी हैं। आज ये आम आदमी पार्टी का पूरा पूरा जो है जोर दिल्ली के अंदर है और सातों सीटों हम लोग विजय होकर आएंगे, ये पक्का आश्वासन है। गठबंधन की सरकार बनना जा रही है, नरेंद्र है ना, जो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं वो अली बाबा 40 और वाली टीम है। मैं या कहती हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई भी वोट ना दे। जो काम कर रही है आम आदमी जो पार्टी काम कर रही है, वो काम कोई सरकार ने नहीं किया। कमी है सारी नौकरियों, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, काम तो कोई हुआ ही नहीं है। जो 15 लाख आने थे अकाउंट में वो भी नहीं आए किसी के। कि कोई भी गलती मत करना इस बार, कांग्रेस सिर्फ वोट काटेगी, अगर दोबारा यही गलती कर दी तो बीजेपी जीत जाएगी और फिर अच्छे दिन आएंगे और दुनिया भर के जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं उनसे उन मुद्दों से आप सभी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने मोदी जी ने जो वादे करे थे वो भी सारे के सारे झूठ है और उन्होंने कहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बल्कि 15 लाख रुपए आने की वजह से हमारे हर महीने 70 रुपए रोज कट रहे खाते में, जो उन्होंने खाता खुलवाया था जीरो अकाउंट। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ है, जो भी है जो अच्छे काम कर रहे हैं। स्कूलों का देखो, कभी तक किसी ने नहीं सोचा था सारी बिल्डिंगें दोबारा तोड़वा के बनवाने लग रही। दिल्ली के अंदर केजरीवाल से अच्छा कोई नेता नहीं है। यहाँ पर जितने पैसे लगे सब शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लगे हैं। अब ये देखो 3000 करोड़ रुपये एक मूर्ति में लगाई जा रही है, वो पैसे का शिक्षा स्वास्थ्य में नहीं लग सकता था, किसी गरीब के खाते में नहीं जा सकते थे क्या? 15 लाख रुपये कहाँ चले गए? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ट्रैक, जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, हमें 34% वोट मिला है। गुगन जी जो प्रत्याशी हैं इस बार बनाया गया है, पार्टी ने गुगन सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है, वो इस क्षेत्र से काफ़ी वाकिफ हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, लोकल हैं। इससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वोटिंग प्रतिशत इस बार 5 से 7% की इजाफा होगी और हम करीबन 37 से 38% वोट ला के अच्छे वोटिंग के मार्जिन से आम आदमी पार्टी यहाँ से अव्वल वोटों से विजयी होगा। आम आदमी पार्टी जीते और अच्छा काम करे, अभी नाम भी हो रहा आम आदमी पार्टी का, समझ गया भाई। और ये बीजेपी की तो सरकार आनी नहीं चाहिए क्योंकि वो दो भेदभाव वाला राजनीति करता है। जो दिल्ली देहात है वो गुगन जी के साथ हैं और वो गुगन जी को काफ़ी वोटों से जिताएगा। उन्होंने पहले बहुत मेहनत करी है, पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने पब्लिक के बीच में रहे हैं वो और हर आदमी उससे खुश है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर